वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असी सुनांगे साखी बाबा फिर मक्के गया। 1575 बिक्रमी विच गुरु नानक देव जी पछम की यात्रा वास्ते रवाना होए। इस बार हजूर का साथी फिर मरदाना सी। महाराज पछम वाल इस्लामी मुल्कां विच प्रचार हित जाना चाहते सन। गुरदेव ने हाजियां वाला वेश धारण कर लिया। भाई गुरदास जी लिखते हैं, बाबा फिर मक्के गया, नील बस्त्र धारे बनवारी, आसा हथ किताब कछ कूजा बांग मुसला धारी। किसी भी भेस नाल गुरदेव नू ना घिरना सी ना उचेचा लगाओ। हिंदू तीर्थां ते हजूर गए तो हिंदू संतां वाला बाणा पहनिया, इस्लामी मुल्कां विच आप पधारे तो मुसलमान हाजियां वाला भेस बना लिया। जीवन के अंतम साल महाराज ने करतारपुर गुजारे तो संतां वाला बाणा उतार के गृहस्थियों वाले कपड़े पहन ले। गुरदेव सिंध दे रस्ते हाजियां दे काफले नाल मक्का शरीफ पहुंचे। रात नूं हजूर काबा शरीफ वाल पैर करके लेट गए। किसी दे धर्म स्थान दा निरादर करन दे इरादे नाल नहीं, केवल ए वहम कढ़न वास्ते कि रब एक पासे वसदा है। गुरदेव ने ऐसा किया। सवेरे सब तो पहला जीवन हाजी ने गुरदेव नूं इस हालत विच वेख्या। जीवन गुस्से विच आ गया। उन्हें उठ के गुरु जी नूं लत कढ मारी, नाल ही क्रोध नाल बोलिया, ओ गुनाहगार, तू कैसा बंदा है जो रब वल पैर करके सुत्ता पिया है। अल्लाह दे प्यारे कौड़े शब्द सुन के भी गुरदेव मिठी बाणी बोले, थकिया पांदी भुल कर बैठदा है, जिस पासे रब नहीं तू मेरे पैर उस पासे कर दे। गुरदेव ने यह शब्द इन्ने प्यार नाल कहे कि जीवन का सारा क्रोध शांत हो गया। वह पल दा पल गुरदेव के कहे वाक बारे सोचने लई मजबूर हो गया। जिस पासे रब नहीं ये किवें हो सकता है, केड़े पासे ते किथे रब नहीं, बड़ी गहरी रमज है। जीवन नू जिवें जिंदगी विच एक नवी सूझ मिली। इन्ने तक गुरदेव उठ के बैठ गए। ऐ बंदा ऐ खुदा, रब तो हर पासे है, पर दसो आप कौन हो, जीवन ने नरम पै के पुछया। जो तुसा हुण समझिया है खुदा दा बंदा, नानक निरंकारी, हजूर ने शांति भरी मुस्कुराहट नाल उत्तर दिता। फिर की सी, सारे भारती हाजी इकट्ठे हो गए। गुरु नानक देव जी दे नाम तो उस समय तक सारा भारत जाणू हो चुका सी। भारती हाजियां दा मुखिया काजी रुकनदीन सी। गुरदेव नाल चर्चा करन वाले भी वधेरे हिंदुस्तानी हाजी ही सन। आप हिंदू हो के मुसलमाना दे काबा शरीफ दी जियारत करन क्यों आए हो, एक काजी ने सवाल किया। मैं ना हिंदू हाँ ना मुसलमान, मैं खुदा दा बंदा हाँ, खुदा एक है। खुदा दे पैदा किते सब इंसान बराबर हैं। साड़ी नज़र विच हिंदू मुसलमान का कोई वितकरा नहीं, गुरु जी ने बड़े प्यार नाल उत्तर दिता। ऐ खुदा प्रस्त नानक, हिंदू ते मुसलमान दो वड्डे फिरके हैं, दोहां विचों चंगा केड़ा है। काजी रुकनदीन दे दिल की गल साफ शब्दों विच कह दिती। भाई गुरदास जी लिखते हैं, पूछन फोल किताब नो, हिंदू वड्डा के मुसलमानोई, बाबा आखे हाजिया सुब अमला बाजो दोनों रोई। ऐ काजी रुकनदीन, गुरदेव ने बड़े धीरज नाल कहा, अल्लाह दी दरगाह विच जात जा फिरका नहीं पुछया जावेगा, सगो चंगे अमल पुछे जाणगे। उत्थे रिश्वत जा सिफारिश नहीं चलेगी, कीते होए अमला उत्ते नबेड़ा होवेगा। याद रखो, गुरदेव कहंदे गए, खुदा एक है, वह हर थां ते हर एक विच समाया होया है। असी तुसी सब उसदी अंश हाँ, उसदा नाम उसदी भगती ही कल्याणकारी है। ये शब्द सुन के सारे हाजी गुरदेव दे चरणा ते टै पए। रुकनदीन ने हाथ जोड़ के शरदा नाल कहा, सब दे सांझे पीर नानक, आप खुदा दे पूरन वली हो, मेहर करके कोई निशानी बख्शो। रुकनदीन दी मंग अनुसार गुरदेव ने अपने चरणा दी एक खड़ाव उसनू निशानी वजो बख्शी। भाई गुरदास जी इस दी गवाही देंदे हन, धरी निशानी कौस दी मक्के अंदर पूज कराई। इथों अगे गुरदेव मदीना शरीफ गए। निशाना गुरदेव का हर थां इको सी कि धर्म के नाम थले जो पखंड हो रहा है उसनू दूर किया जाए। फिर गुरदेव मिसर, सुडान ते तुर्की विच भी पहुंचे। वापसी समय हजूर बगदाद अटके। उस समय बगदाद इस्लामी तालीम का केंद्र मनिया जाता सी। गुरदेव शहर के बाहर आ बैठे। अमृत वेले हजूर ने बाणी का पाठ किया। फिर वजद विच आ के महाराज ने लम्मी हेक नाल नारा लाया, गुरबर अकाल सत श्री अकाल, जिवें मुला बांग देंदे हन। नमाज पढ़न वास्ते जांदे लोगों ने सुनिया। हजूर फिर अपने रंग विच कीर्तन करन लग पए। बगदाद दे पीर तक एक खबरां पहुंचियां। राग कीर्तन होर भाषा विच बांग देना, यह सब कुछ पीर नू इस्लामी शरां दे उल्ट जापिया।
फिर ये भी शिकायत सी कि वह फकीर लखा पताल ते लखा काश कहता है जबकि इस्लामी शरा अनुसार सिर्फ सत्त पताल ते सत्त असमान हैं। पीर बगदाद ने गुरु जी नूं संगसार करन दा पत्थर मार मार के मारन दा हुक्म दे दिता। हज़ारा लोग पत्थर चुक के गुरदेव दे उदाले जा इकट्ठे होए। ऐ अल्लाह वाले, गुरदेव ने शांत चित पर पूरी निरभयता नाल मुस्कुराउंदे कहा, खुदा दे बंदे अखवा के खुदा दे बंदे नूं पत्थर मारोगे तो खुदा खुश होवेगा जां नाराज़? ते मैं तां खुदा दे बंदियां दा भी बंदा हाँ। नानक बुगोयद जन तुरा तेरा चाकरा पा खाक। हजूर दे मिठे शब्दां ने सब हिरदे मोम कर दिते। पत्थर मारन वास्ते उठिया हुई बाहीं नीवियां हो गई। ये खबर सुन के बगदाद का पीर चल के आया। बड़ी लंबी चर्चा पिछों सब ने सिर झुकाए ते गुरदेव नूं सच्चा वाली पीर नानक कह के पूजिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।